अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल बिनकर देखा आप करिए सुंदर मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक मोहम्मद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कावड़ यात्रा चंद्रशेखर सीएम ज्योति सुभाष सुब्रत पथक बीजेपी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। कांवड़ यात्रा की तैयारी के बीच टंगिना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान से घमासान मच गया है। दरअसल चंद्रशेखर ने कांवड़ यात्रा की तुलना सड़क पर नमाज से कर दी। अब ऐसे में बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हिंदू धर्म में 10 दिन कांवड़ यात्रा चलती है, यात्रा के दौरान अस्पताल तक बंद हो जाते हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर भी लोग आस्था को लेकर इसे सहन कर लेते हैं। वहीं ईद वाले दिन 20 मिनट की नमाज से आपत्ति हो जाती है। ईद वाले दिन तो नमाज भी नहीं होने देते हैं। देश में आस्था के नाम पर भेदभाव क्यों है? यानी कि चंद्रशेखर आजाद के बयान के मायने समझे तो वो सड़क पर नमाज के पक्ष में है, लेकिन उन्हें कांवड़ यात्रियों पर फूल कांवड़ यात्रा रूट में मीट और शराब की दुकान बंद करने से परेशानी हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा साहब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या होता है हुआ? कहा साहब कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाए। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने की तैयारी हो रही है। कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इसीलिए सड़क किनारे मांस मदिरा की दुकानों पर शटर गिराने की बारी है। अब शिव भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कांवड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। लेकिन कांवड़ यात्रा की तैयारी के बीच विवादित बयान नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का आया है। चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईद की नमाज को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये देश केवल एक धर्म को मानने वालों का थोड़ी है, यहाँ सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। भाई हिंदू धर्म की आस्था का देश सब की धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा होता है अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साहब जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन चूंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। चंद्रशेखर आजाद के वायरल वीडियो में कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा हिंदू धर्म में 10 दिन कांवड़ यात्रा चलती है, फिर सारे होटल और अस्पताल बंद हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था को लेकर लोग सहते हैं, मगर ईद वाले दिन 20 मिनट के लिए नमाज होती है तो पहले तो वो ईद वाले दिन नमाज होने नहीं देंगे। अब नगीना सांसद के इस बयान पर सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महादेव को पूजने वाले काफी ज्यादा हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों से उनकी तुलना ना करें। पढ़ो ये भाई पढ़ो, आप मुझे बताओ ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्यों ये, क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा? और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि ये देश जो है बहुलता इस देश में महादेव को पूजने वाले लोगों की है, और कांवड़िया एक विशेष पर्व है जो साल में सिर्फ एक बार ही आता है। नमाज तो रोज पढ़ी जाती है,
जुमे की नमाज हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है, तो नमाज से कोई कांवड़िया यात्रा की तुलना नहीं हो सकती। और यदि नमाज सड़क पर पढ़ने की आवश्यकता क्या है, अगर इतनी ही चिंता थी तो आप उनको सलाह दे सकते थे कि वो अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ लें। यानी जिस तरह चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा और खुले में नमाज की तुलना की, उस पर यूपी की सियासत एक बार फिर गरमा चुकी है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का ये बयान नए विवाद को जन्म दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सांसद चंद्रशेखर के कांवड़ वाले बयान के बाद से सियासी बयानबाजी के अलावा धर्म गुरुओं और संतों के भी बयान आने लगे हैं। मुस्लिम स्कॉलर समी आगाई ने जहां चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया, तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांवड़ यात्रा की तुलना सड़क पर नमाज से करने पर आपत्ति जताई है। ते हुए सांसद चंद्रशेखर रावण जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतने के बाद उनको जनता के लिए कार्य और काम करना चाहिए, और जीतने के तत्काल बाद हिंदू मुसलमान उन्होंने शुरू कर दिया। ये दुखद है, निंदनीय है। हिंदू मुसलमान करके भेद पैदा मत करो, विकास की बात करो, अपवाद की बात मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विनाश की बात मत करो। कि अगर मात्र 20 मिनट के लिए कोई प्रायोजन किया जाता है उसको रोक देना, और कांवड़ यात्रा जो पूरे 10 दिन चलती है और उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम है चंद्रशेखर जी का। तो सभी को एक समान, ये हमारी संविधान की व्यवस्था भी है कि सभी को एक समान जो है दृष्टि से देखना चाहिए। किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, ये ना चर्चा में काफ़ी है, और एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी थी, और भाई मैं ना यहाँ पे कमेंट यही करना चाहूँगा कि भाई ये आस्था की बात है। साफ ज़ाहिर है कि हर मज़हब जो है या धर्म है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और आस्था जुड़ी होती है। बिल्कुल। तो हम किसी अपनी आस्था के साथ अगर जुड़ के किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाएंगे तो वो चीज़ गलत है। ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू भाई हैं। और भाई कांवड़ यात्रा हमने कई वीडियो पे रिएक्शन दिया है, और भाई अलग यूथ भी काफी उसमें निकलती है, और वो दिन चलता है पैदल बुजुर्गों को उठाकर भी चलते हैं, बड़ा बड़ा लंबे मजहबी त्यौहार है और इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी भाई जो बात दूसरे क्या नाम है चंद्रशेखर ने बात की है ना, जब मेरे घर में कुर्बानी के टाइम पर भी, और दूसरी जब ईद छोटी ईद या बड़ी भी योगी आदित्यनाथ के मैंने बयान सुने, वो यही बोल रहे हैं कि ईद की जो नमाज है वो मस्जिदों में पढ़ी जाए, ईदगाहों में मस्जिदों में पढ़ी, मतलब है कि मस्जिद के बाहर ना पढ़े। हाँ, रोड में बंद हो जाए, तो क्योंकि भाई वो रोड पे इसलिए पढ़ने से मना किया जाता है कि भाई रोड पे लोग जो है उनको तंग आती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोग जो है वो तंग होते हैं। तो भाई जो चंद्रशेखर आवाज उठा रहे हैं वो यही उठा रहे हैं कि भाई अगर मुसलमानों की 20 मिनट से लोगों को तकलीफ होती है तो ये जो 10 दिन वो दिन रात चलता है वो उस रोड पे कोई गाड़ी कोई दुनिया की चीज नहीं चलती, मतलब दुकानें आती बंद हो जाती है, भाइयों को ठीक है कमेंट पे बोलते हैं, उसका मतलब मुतबादल रास्ता भी खोल दिया जाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है, ये रास्ता कांवड़ यात्रा के लिए इसके मुतबादल दूसरा रास्ता है। और भाई ईद की तो ईद के बीच में नमाज के लिए भी मौजूद था, फिर मतलब 20 मिनट के लिए दूसरा रास्ता क्या कर सकते हैं, फिक्स टाइम होता है सारा दिन वो चलती है, ज्यादा आधा घंटा हो जाएगा ज्यादा। और भाई वो इसलिए ना इज्तिमा में नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब मिलता है, इसलिए लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि हर बंदा वो जमात के साथ होना होता है, वो हर बंदा अलग अलग घर में नहीं पढ़ सकता, ये दीन के मुताबिक है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप 10 दिन लेके चलते हैं भाई, 10 दिन वो रोड बंद हो जाते हैं, उसमें कोई चीज नहीं आती। हाँ, हम उसको अच्छा गिनते हैं, आपका वो त्यौहार है, नहीं कभी किसी मुस्लिम ने उसको हिटाइट नहीं किया, क्यों कहीं कर भाई साहब आस्था जुड़ी होती है ना, वहां पर उंगली उठाई नहीं सकते, उठानी भी नहीं चाहिए। अगर आप भाई साहब दूसरे का मजहब, लेकिन यहाँ पर भी है वो आपके, लेकिन भाई मुद्दा तो ये है कि भाई एक को छूट दी जा रही दूसरे को सब। ये बात आपका संविधान जो है ना वो इजाजत देता है,
अक्सर ये कहा जाता है पूरी दुनिया में वाइल्ड कंट्री है जो सब अधिकारों को हकूक देखते हैं, आप मिसालें देखते हैं। और इंडिया के अंदर तो बेहतर हर किस्म के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, पता नहीं कितने मतलब है भाई। चलो जी ठीक है बेबनी रात रुकता है, लेकिन मैं मेरे ख्याल से ये कहता रहा कि सबको हकूक मिलने चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जिस तरह हमने वीडियो देखी है कि मुसलमान जो उनके ईद के त्यौहार पे हिंदू भाई आके सेवियां खाते हैं, खुशियां खाते हैं, उनकी खुशी में तमाम मिल जाते हैं। इसी के अंदर का यात्रा के अंदर भाई साहब कई मुस्लिम है जो इनको रास्ते के अंदर देते हैं, बिल्कुल ये भी है देखने को। इस तरह आपको रहना चाहिए, किसी को ये मौका न दे इंडिया के अंदर किसी भी मजहब को लड़ाया जाए, ये मौका कभी ना दो भाई। आपकी बात पॉलिटिशियन की बातों पर ना अपने मौका हम ना दे बचने वाले क्या है भाई साहब, एक को छूट दे रहे हैं दूसरे को तंग कर रहे हैं, इससे भाई मसले बिगड़ सकते हैं। तो ठीक है भाई अपनी रात रूटता ही का कमेंट सेक्शन में पॉलिटिशियन भाई साहब उसको अपने वोटों से फर्क होता है। अगर तो बंदा बोले ना कि भाई साहब फलाना हमारे लिए कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता भाई। यहाँ ये बयानबाजी हो रही, दूसरी तरफ असेंबली में जाके देख लो दोनों मिलके बैठे होते हैं, इनकी बातों में तवज्जो ना दो, अपने आप में इत्तेफाक पैदा रखो जिस तरह आपका है हिंदू मुस्लिम ईसाई। चलो ये ठीक है भाई रखना चाहिए, झूठता ही का कमेंट सेक्शन में। तो भाई अगर एक कम्युनिटी को कोई चीज मिल रही है, वही चीज अगर दूसरी कम्युनिटी उसको ढूंढे मारे जाए तो वो चीज गलत। फिर वादे उठे बाकी भाई जुमे की नमाज पे भी अक्सर रश होता है, तो फिर आप बोलेंगे भाई नमाज तो हर रोज पढ़ी जाती है, तो भाई ये होता है लेकिन जुमा 6 दिन बाद और भाई हिंदू त्यौहार भी एक आधा दिन के सिर्फ 10 दिन ही चलते, क्योंकि भाई सारा साल हर महीने कोई ना कोई हिंदू त्यौहार होता है, बिल्कुल होता है, और रोड ब्लॉक भी रहते हैं ऐसे ही है। तो ठीक है भाई अपनी ग्रुप का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।